मध्य प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि इंदौर में कोरोना को लेकर सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दूसरे राज्यों से जाने वाले मजदूरों को लेकर बसों की सुविधा मुहैया कराई गई है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मध्य प्रदेश में जल्द ही कोरोना रोकथाम को लेकर बड़ी विजय हासिल कर ली जाएगी। उन्होंने लोगों से अपनी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बढ़ाने की भी अपील की है और कोरोना से लड़ने को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का भी आह्वान किया है। कोरोना रोग ऐसा है कि इसको देख के कई चीजें आगे सरक रही हैं, उसमें से एक ये भी है। आज एक दुखद चूंकि हादसा हो गया है, उत्तर प्रदेश के कुछ मजदूर जो महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे, वो गुना में 7 लोग, उसमें से उनका दुखद निधन हो गया है। कुछ लोग घायल भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2 लाख रुपए का उनको मुआवजा और 50,000 रुपया। अभी वर्तमान में हमारी चिंता ये है कि जो हमारे यहाँ पर घायल हैं उनका ठीक से उपचार हो जाए। घायलों में भी एक थोड़ा अभी गंभीर है, हमारी कोशिश है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाए। ठीक है, और कुछ? आज एक बैठक है जिसमें जो माननीय मंत्री मंडल सदस्यों की समिति बनाई है, समूह की, उसकी एक बैठक बल्लभ भवन में 11:30 बजे है, जिसमें आय शासक सरकार की और बढ़ाने जैसे बिंदुओं पर विचार होगा। इंदौर में लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, 96 तक पहुंच चुका है, क्या वजह मान रहे हैं? क्या वहां वेंटिलेटर तमाम चीज़ें? हमारे पास में पर्याप्त वेंटिलेटर हैं, पर्याप्त आइसोलेटेड वार्ड हैं, पर्याप्त ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, पर्याप्त पीपीई की किट है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहां हमें ज़रूरत है वहां अभी भी हमारे अनेक बेड खाली हैं, चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो। चूँकि ये इंदौर में जब जमाती आए थे तो घनी बस्तियों में चले गए थे, निचली बस्तियों में चले गए थे। मेरी स्वयं की मान्यता तो ये आज भी है, जो पहले मैंने कहा वो अभी दोहराता हूँ कि 3 दिन के अंदर जो भी कोरोना का पेशेंट अस्पताल पहुँचता है उसकी निधन, दुखद निधन की संभावना मुश्किल से 2-4% रहती है, 95% वो ठीक होते ही। जो 5% हैं उसमें भी वो लोग हैं जो 65-70 से ऊपर होते हैं, अथवा उन्हें अस्थमेटिक कोई रोग होता है, कार्डिक हार्ट से संबंधित कोई रोग होता है, डायबिटीज से संबंधित, उन पर वो प्रभाव डालता है। कोरोना आम आदमी पर, स्वस्थ व्यक्ति पर ये प्रभाव, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जिनकी रोग रोधक क्षमता अच्छी है, उस पर इसका प्रभाव जुखाम खांसी की तरह ही होता है। जहाँ तक आप बात कोरोना की कर रहे हैं, मैंने पहले भी ये बात कही, आज दोहरा रहा हूँ कि इसको लाइफ स्टाइल में लाना पड़ेगा हमको, इसकी सावधानियों के साथ में। कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधानियों की ज़रूरत है। हम कोरोना के पेशेंट से भी कभी कभी दूरियां बनाते हैं, नफरत करते हैं, ऐसा नहीं। सावधानियों के साथ हम उनके पास रह सकते हैं, हम किट पहन के रह सकते हैं, बाकी चीज़ें पहन के रह सकते हैं, इतना उसको अछूत मान लेते हैं, ये अच्छा नहीं है। और जो लोग ठीक होके आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक होने का रेशू सबसे अच्छा है, जो डिस्चार्ज हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। हम 50% के लगभग आ गए जिसमें डिस्चार्ज हो रहे हैं, जो इस बात का द्योतक है कि हमारे पास इलाज के और उसके सारे के सारे इंतजाम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पेरोल का समय जो पहला सवाल पूछा था, 60 से 120 दिन किया गया है। बेल जो विचाराधीन है उसको भी 45 दिन से 90 दिन किया गया है। जो प्रवासी मजदूर हमारे उसके हैं, भिंड का भी कल हमने सर्वे किया था,
वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर जो है भारी बना दिए हैं। अच्छा ये है कि अभी तक जितने मजदूर हमारे मध्य प्रदेश में आए हैं कोई गंभीर किस्म का उसमें पेशेंट अभी नहीं मिला है। जो है थोड़े बहुत उनको अलग से सेंटर बना के भिंड में भी, धार में भी, हमने सब जगह पे अलग अलग बनाए हैं, रखे हैं। मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अपने प्रांत में जो पैदल मजदूर जा रहे हैं उनके लिए बसें करके उनको यूपी के बॉर्डर तक छोड़ रहा है। और इसलिए मध्य प्रदेश के द्वारा अधिकतम लोग वहाँ पे पहुँचा दिए गए। कल भी 200 के लगभग बसें थी। हमारे यहाँ पर 60 बसें सागर से मालथोन के लिए भी भेजी गई हैं और वो सारी की सारी बसें आ जाएंगी। 8,000 लोग सेंधवा से बड़वानी यूपी बॉर्डर, सेंधवा और बड़वानी से यूपी बॉर्डर पे कल भेजे हैं। 64 बसें सागर से मालथोन के लिए रवाना हुई है। ट्रेनों की जहाँ तक आपने मजदूरों की बात की, 59 ट्रेनें कल तक आ चुकी हैं, 10 ट्रेन अभी रास्ते में हैं, आ जाएंगी। अच्छा साइन इसमें ये है कि मजदूरों को अब जहाँ जहाँ काम उद्योग चालू हो रहे हैं वहाँ वहाँ वो वापिस भी जा रहे हैं। तमिलनाडु में परसों इस तरह का हुआ, कल फरीदाबाद में हमने मजदूर जो बुलाए थे वहाँ पर तो 1,423 मजदूर आ गए। जब उनको पता चला कि हमारा उद्योग चालू हो गया है और वहाँ के जो मैनेजर या जो भी संबंधित उद्योग का होगा व्यक्ति उसने बताया, तो 700 मजदूर वापस चले गए वहाँ से। बचे हुए 600 मजदूरों को फिर हम बस से लाए, ट्रेन से नहीं ला पाए। ये साइन पूरे देश से मजदूरों के आने का कल से प्रारंभ हुआ है, जो अच्छा साइन है। हरियाणा से कल 3 ट्रेनें सागर, आज सागर छतरपुर टीकमगढ़ के लिए आ रही हैं। और कुछ पूछना सर, जो जहांगीराबाद है भोपाल का सबसे बड़ा प्रदेश का हॉटस्पॉट इलाका है, क्या वहां से लोगों को अब किसी एक जगह पे शिफ्ट किया जाएगा ताकि संक्रमण ना फैले? नहीं, उनको घरों में ही रखेंगे, कहां एक जगह शिफ्ट किया जाएगा, उनके घर से सुरक्षित स्थान कहां है। वहां पर जो भी आवश्यक संसाधन होंगे वो हम उपलब्ध कराएंगे, जो ज़रूरत होगी सैनिटाइजेशन की, औषधि की, दवाई की, हम वो उपलब्ध कराएंगे। आपने कहा कि प्रवासी मजदूरों से कोरोना मध्य प्रदेश में भी जो आंकड़े हैं उसमें फैल रहा है, तो कुछ ऐसे मजदूर हैं जो जिन पर संक्रमण देखा गया, प्रवासी मजदूर, ऐसी कुछ आई रिपोर्ट? मैंने बताया ना, अभी बता दिया ये वाला मैंने, गंभीर किस्म का अभी कोई नहीं है। सर, जो कल आंधी तूफान भी चला है, बारिश भी हुई है, किसानों की फसलें बाहर पड़ी हुई हैं, किसान उनको राहत देने के लिए सरकार की क्या योजना है? क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हुई, आंधी तूफान चला, उसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है। मौसम का इस बार मिजाज समझ ही नहीं आ रहा है। मई के महीने में इतना टेम्परेचर मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। एक जगह मैं बात कर रहा था परिचित के यहाँ, वो तो कह रहा था कि कल ओले गिर गए, ये हुई चौकीदार मेरा सुबह ताप रहा था, मई में कोई तापेगा? ये कुछ सोच से परे एक बात थी। प्रकृति अब अलग अलग प्रकार के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि चूंकि पॉल्यूशन एकदम ख़त्म हो गया है, पूरे विश्व का ख़त्म हुआ है, और ऐसा नहीं कि वो हिंदुस्तान का ख़त्म हुआ है, तो इस तरह से तेज़ी से एक साइकिल टूटी है, चैन टूटी है, इसलिए गड़बड़ाया है। कोई कहता है कि नया सिस्टम बन रहा है और इस बार मानसून पहले आ जाएगा, प्री मानसून 10 दिन पहले आ जाएगा। अलग अलग बातें हैं, कयास हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान के हितों की पूरी चिंता की जाएगी, जहाँ जो जरूरत होगी वो संसाधन उपलब्ध कराई जाएगी। मुद्दों पर सीधी बात, आक्रामक अंदाज, आकर्षक ग्राफिक्स, पब्लिक की आवाज, सोशल मीडिया न्यूज में सबसे भरोसेमंद नाम इंडिया फर्स्ट न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय सर्च इंजन गूगल ने भी सराहा, लाखों दर्शकों की बना आवाज इंडिया फर्स्ट न्यूज। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब नाउ इंडिया फर्स्ट न्यूज, मिशन फॉर द नेशन।